अगर हैं आप दो फ्रेंड या फिर आपके हैं कई सारे फ्रेंड, मींस दो से चार, जो कि कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस बिल्ड करना है या उस बिजनेस की प्लानिंग आपने स्टार्ट कर दी है और छोटे लीगल एग्रीमेंट के साथ आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिससे आपके बिजनेस में बहुत हेल्प हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा LLP इनकॉर्पोरेशन से बातें कि कैसे आप LLP इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं और छोटे से बिजनेस को कैसे बड़ा बना सकते हैं या फिर छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि मैं LLP इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें बताऊंगा। दोस्तों LLP जानने के लिए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आज मैं उसे थोड़े से समराइज फॉर्म में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट जो आपको LLP इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जानने जरूरी हैं। पहली बात, अगर आप LLP इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो आप कितने पार्टनर्स हैं, आपने वो सोच ही लिया होगा कि कितने पार्टनर्स को LLP में शामिल करना है। सपोज़ मैं मान के चलता हूँ आप चार पार्टनर्स हैं और उन्हें अब LLP स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में आपका प्रोसीजर होना चाहिए कि अभी तक आपने पहले कोई भी आपके पास DIN नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इन्हें, आपके पास कोई भी DSC नहीं है, पिछला आपका कंपनी या LLP या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, आप फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में DIN के लिए अप्लाई करना होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। वो कैसे अप्लाई होगा? दूसरी बात, आपको DSC भी चाहिए होगी जो कि DIN अप्लाई करते समय ज़रूरी होगी। वो कैसे अप्लाई होगा? तीसरी बात, आप DIN और DSC अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म्स अपलोड करने होंगे, वो कैसे होंगे? चौथी बात, फॉर्म्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ये हो गई सारी चीज़ें। उसके बाद आपके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीज़ें आती है। तो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स में से मैं पहला पॉइंट उठाता हूँ कि आप DSC कैसे अप्लाई करेंगे। DSC अप्लाई करने के लिए आप या फिर किसी DSC जो आपको सेल करता हो उससे आपकी जान पहचान है, वहाँ से आप DSC डायरेक्ट फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू आप DSC फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। DSC फॉर्म एक USB टोकन होता है जिसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मीन्स वो साइनिंग आपके उस टोकन में होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है DSC और DIN कैसे अप्लाई करें, उस वीडियो को देखना ना भूलें। बात करता हूँ कि DIN कैसे अप्लाई होगा। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो गवर्नमेंट ने नए बिजनेस वालों को एक अपॉर्चुनिटी दी है LLP के थ्रू कि आपके पास एक फॉर्म है फिलिप। फिलिप फॉर्म से आपको DIN डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, आपको और कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट चाहती है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट DIN फिलिप फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर दीजिए और आपको DIN अलॉट हो जाएगा। उसके लिए आपको DSC की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSC आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब बात आती है LLP का नेम रिजर्व कैसे होगा, मैं उस नेम को कैसे ले सकता हूँ जो मैंने सोचा हुआ है, क्या मैं कोई भी नेम ले सकता हूँ? दोस्तों नेम आपको लेने का मतलब है कि वो नेम आप रिजर्व कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आगे कभी भी यूज़ के लिए, तो उस रिजर्वेशन को चेक करने के लिए आपको MCA पोर्टल पे हेल्प लेनी पड़ेगी जिसमें आपको वो बताएगा कि ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो इसी सारी फील्ड्स में बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और नेम्स को ढूंढ के आपको बताएंगे कि हाँ आप ये नेम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेम रिजर्वेशन के लिए भी आपका अलग से फॉर्म जाता है, फॉर्म 1 जिसे बोलते हैं, बट आप चाहें तो फॉर्म फिलिप के साथ ही अपलोड कर सकते हैं। फिलिप क्या है? दोस्तों फिलिप एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपका DIN भी अप्लाई हो सकता है, नेम भी अप्लाई हो सकता है, और मैं ऐसा कहूँ कि LLP इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म है फिलिप। LLP इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म जो है फिलिप, वो कैसे आप भरेंगे इसको मैं बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फिलिप में आपके बिजनेस की सारी डिटेल, क्या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके डायरेक्टर्स की सारी डिटेल, जो स्टार्टिंग मैंने जैसा सपोज किया था दो डायरेक्टर्स हैं तो दो डायरेक्टर्स की सारी डिटेल्स आपको मैं बता दूं कि
फिलिप फॉर्म में आप एक बार में दो ही डायरेक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्या, वो एक ही बार अप्लाई ही होता है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, तो आप दो डायरेक्टर को मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डिन भी आप साथ में ले सकते हैं और एलएलपी के लिए आप नेम भी रिजर्व करा सकते हैं। ये हो गई आपकी दो बातें कि एलएलपी आपने नेम रिजर्वेशन भी अप्लाई कर दिया और डिन भी अप्लाई कर दिया, उसमें डीएससी लगेगी। वो डीएससी आप अपनी लगाएंगे जो आपने अभी टोकन यूज़ की, मींस बनवाया है टोकन, वो टोकन आप यूज़ करेंगे और प्रोफेशनल का टोकन लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं तो आप उसे इजीली सर्टिफाई करवा सकते हैं। वो ये सारे प्रोसीजर्स को आपको लाइन बाय लाइन, वन बाय वन आपको कवर कराएगा। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में रहें, जिसमें थोड़ी बहुत आपको प्रोफेशनल फ़ीस देनी पड़ सकती है, जैसा कि वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उस पर जो सर्टिफिकेट लगेगा वो फॉर्म में या तो सीए का या सीएस का या किसी भी दूसरे प्रोफेशनल का, जैसा फॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड है, वो मैं डिटेल अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये फॉर्म से रिलेटेड मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ये हो गई कि आपने फिलिप अप्लाई किया है, अब आप फिलिप को अपलोड कैसे करेंगे। इसमें भी यही पॉइंट आ जाता है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं तो उसकी ऑलरेडी एक MCAP रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू वो आपके इस फॉर्म को अपलोड कर देगा। बट इन केस आप हेल्प नहीं ले रहे हैं तो आपको खुद अपना एक यूज़र क्रिएट करना होगा, वहाँ पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू आप फॉर्म्स को अपलोड करेंगे। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब आप फॉर्म को अपलोड कर देंगे वहाँ पे। आफ्टर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दो दिन में अप्रूव हो जाए, 5-6 दिन भी लग सकते हैं, 15 डेज अप टू मैक्सिमम माने जाते हैं LLP इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मेल पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई करना है फिर मैं बता रहा हूँ, वो प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगी, उसमें सारे डिटेल्स हैं कि कैसे आप, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ चुका है आपके पास मेल आईडी पे। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जिसे अगर मैं बोलूं तो वो है आपका LLP एग्रीमेंट। जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू काम करूंगा, उस लीगल एग्रीमेंट में आप अपने दोनों पार्टनर, जैसे मैंने सपोज किया था दो पार्टनर्स आप स्टार्टिंग में हैं, तो उन दोनों पार्टनर की सारी डिटेल्स कि कितने पार्टनर, कितना इसके शेयर होंगे, कितनी रिम्यूनरेशन इसकी होगी और राइट्स क्या क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, वो सारे LLP एग्रीमेंट में डिस्क्राइब होते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है ऑफिस का, जो आपने अप्लाई किया है LLP इनकॉर्पोरेशन में, वो सारी डिटेल, और उसे स्टैम्प प्लस नोटराइज के थ्रू आप उसे फॉर्म 3 में फाइल करेंगे पोर्टल पे, जो पोर्टल आपने यूज़र आईडी क्रिएट किया है, ठीक है दोस्तों। ये तीन चीज़ें हो गई आपकी, अगर मैं समराइज करूँ स्टार्टिंग से, तो एक फिलिप फॉर्म जिसमें ऑलरेडी आपका DSC, DIN, नेम रिजर्वेशन कवर्ड है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है कि आपने सबमिट कैसे करा उसे, तीसरा पॉइंट आपका ये आ गया कि आप LLP एग्रीमेंट कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपका जो LLP एग्रीमेंट फाइल करने के डेज हैं वो 30 डेज हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको LLP एग्रीमेंट सबमिट करना होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी स्टार्टिंग से, कैसे आप छोटा सा बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो LLP आपको कैसे हेल्प कर सकती है। बाद में एडिशन की बात कर लेंगे कि अगर हाँ आपको दो पार्टनर और ऐड करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो, या उसके लिए कौन से फॉर्म जाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। बट दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी शेयर करना चाहूँगा कि कितनी भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हों, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हों, हमारा जो चैनल है टैक्स फॉर वेल्थ, हमारी टीम रेगुलर उस पर वर्क कर रही है आपको हद से हद अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, और रेगुलर अपडेट्स के साथ हम इस चैनल पर वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा जो चैनल है टैक्स फॉर वेल्थ, वो सेम ही टैक्स फॉर वेल्थ के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप हमें एंड्रॉयड TV पे भी देख सकते हैं, Amazon फायर TV पे भी देख सकते हैं। फॉलो करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लाइक प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।